क्वेश्चन नंबर टू में हमें देता है ये अनलिमिटेड कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सही है, कह रहे हैं ऑन 30 जून इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द रिमेनिंग प्रॉफिट. इसका मतलब जो प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग प्रॉफिट, टू पे अ फाइनल ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड. क्या मतलब, जो पैसा बच गया उससे ऑर्डिनरी डिविडेंड दे दो. वॉट परसेंटेज फाइनल डिविडेंड वुड द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रिसीव. क्या मतलब, आपको पहले तो बताना है प्रॉफिट बचा कितना, जितना प्रॉफिट बचा वो हमने दे देना है डिविडेंड. अब एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले मुझे बताएं सवाल में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है. सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास कितना, 13,000 हमारे पास प्रॉफिट गिवन. अब देखते हैं भाई ये प्रॉफिट जा कहाँ रहा है. सबसे पहले हमने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में 6,000 जो कमाया था उसमें से 6,000 तो जनरल रिजर्व में डाल दिया ताकि हमें डिविडेंड ना देना पड़े. बाकी इंटरिम डिविडेंड, हम इंटरिम डिविडेंड क्या होता है यार, इंटरिम ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर पे हो रहा है. अगर साल के दरमियान ईयर एंड होने से पहले पहले हम कोई डिविडेंड दें वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड, और वो डिविडेंड जो एंड ऑफ द ईयर दिया जाता है वो कहलाता है फाइनल डिविडेंड. सही है, तो इंटरिम डिविडेंड कितना पे कर चुके हैं, 3,000. ये भी माइनस कर यार, अगर आप देखो 13,000 हमने अर्न किया जिसमें से 6 कहाँ डाल दिया, जनरल रिजर्व में डाल दिया, फ्यूचर में हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के काम में ले लेंगे, और 3,000 हम ड्यूरिंग द ईयर ऑलरेडी डिविडेंड दे चुके, तो 13 में से 9,000 तो गया, सिर्फ कितना बचा 4,000. अब ये जो 4,000 है ये हम दे देंगे फाइनल डिविडेंड के तौर. इसने बोला ये जो 4,000 मिलेगा ये कितना परसेंटेज होगा. अब इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज ऐसे निकलेगी 4,000 को डिवाइड कर देंगे हम कैपिटल से. कैपिटल कितना है, 50,000. क्या मतलब, ओनर्स ने इन्वेस्ट किया है 50,000 और उनको फाइनल डिविडेंड कितना मिल रहा है 50,000 पे, फाइनल डिविडेंड मिल रहा है इनको 4,000. तो कर दें 4,000 अपॉन 50,000 तो ये बनेगा आपका 8%. तो ए आंसर आ रहा है, इसका मतलब उनको 8% क्या मिला है, फाइनल डिविडेंड मिला. सही जी, अगर वो बोलता बताओ कितना परसेंट इंटरिम डिविडेंड मिला है, तो फिर क्या करते, 3,000 अपॉन 50,000 कर देते, तो उससे किसकी परसेंटेज आ जाती, इंटरिम डिविडेंड की परसेंटेज आ जाती, तो ये बन जाता 6%, 3,000 डिवाइड बाय 50,000. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट वाज द टोटल डिविडेंड गिवन टू शेयर होल्डर, टोटल परसेंटेज, तो टोटल में क्या करेंगे, इंटरिम भी ऐड कर लेंगे और फाइनल भी ऐड कर लेंगे. इंटरिम कितना मिला ड्यूरिंग द ईयर, 3,000, और फाइनल कितना मिला है, 4,000. टोटल डिविडेंड मिला है 7,000. 7,000 को डिवाइड कर देंगे किससे, 50,000 से, तो ये बनेगा आपका तकरीबन 14%. अरे बस 14, तो एक 8% मिल रहा है, एक 6% मिल रहा है, और टोटल 14%. क्वेश्चन